Good afternoon students, let's we start our next topic, that is the catalytic activity of D and D block elements. तो बच्चे यहाँ पे एक important question ये है कि जो D block elements are used for a number of catalyst processes, means जो most of the reactions के अंदर हम catalyst को use करते हैं वो हमेशा हम D block elements से ही choose करते हैं। तो अब यही क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि वाई वी यूज्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर इन द कैटालिटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि उसके पास डी एम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण ये हमेशा कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके साथ साथ इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एक मैक्सिमम प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट को हम डिस्कशन भी करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, डी ब्लॉक एलिमेंट एक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस कारण भी इन एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट हम बेस्ट मानते हैं। साथ ही साथ दीज एलिमेंट्स कैन फॉर्म द टेम्परेरी बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज के कारण ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट मैक्सिमम यूज करते हैं। क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि कैटालिटिक के अंदर कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके हम कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बेटा बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, एज ए यूज कैटलिस्ट यूज़ कर भी रहे हैं। ओके, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल को हम डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का जो कंपाउंड है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम का ट्राई इथाइल का जो कॉम्प्लेक्स है, यूज्ड एज अ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में टाइटेनियम का यूज होता है। और नेक्स्ट हम पी ब्लॉक के अंदर जो पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम पेंटोक्साइड का यूज करते हैं। B2O5 इज यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसके साथ साथ आपने देखा जो हम रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर भी निकल, प्लैटिनम आर यूज्ड। दीज ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसके साथ साथ आपने देखा था जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते थे, KMnO4 यूज़ किया आपने और K2 पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया। दीज आर ऑल्सो मैगनीज इन दिस कॉम्प्लेक्सिस आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस के अंदर एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या कुछ रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों के माइंड के अंदर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, जो ये बड़ा टॉपिक है रिडक्शन पोटेंशियल का जो टॉपिक है, इस टॉपिक्स को आप जैसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रीड आउट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल को बहुत हद तक यूज़ करेंगे। बट फिर भी आपको यहाँ पे छोटा सा हम स्मॉल डिस्कशन कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चे ध्यान देना कि आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को पढ़ा था, जो कि आपने +1 क्लास के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर आया था। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस मानकर वैल्यूज़ को नोट किया गया। और इसके साथ साथ आपने ये बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का, मान लीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए मैंने, 1 इज ए एंड अनदर इज बी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू ए के लिए मैंने मान के चलिए यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट कर दी और बी के लिए यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर दी, तो बच्चे ध्यान देना है जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, मोर होती है, उस एलिमेंट का हमेशा ही रिडक्शन होता है
और जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस होती है उस एलिमेंट का हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? तो रिडक्शन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन की होती है दैट इज जीरो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर पाया गया वो ये मिला जी हमारे को, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल नोट किया गया एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर को छोड़कर सभी एलिमेंट का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मिला। क्लियर? अब आप सभी बच्चों को पता है कि हाइड्रोजन हैविंग द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जीरो। क्लियर? इट मीन्स हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट से ज़्यादा है। तो जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ हम एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे तो इट मीन्स हाइड्रोजन का हमेशा ही रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो दीज एलिमेंट ऑलवेज रिएक्टिंग विद एसिड ऑलवेज लिबरेट द हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट कॉपर। तो इस बात को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे और यहाँ पे जो भी मैंने अभी चीज़ डिस्कशन की वो इसके बारे में लिखा गया है। क्लियर? ओके, थैंक यू।